थैंक यू भाई। कुछ डेट्स लिखवा रहा हूं आप लोगों को, जो कि ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और ये कुछ जरूरी चीजें हैं। इनसे प्रेडिक्शंस बिल्कुल ही बदल जाती हैं। म्यूट रखिएगा थोड़ी देर के लिए। इक्कीस मार्च एक 21 जून दो, 23 सितंबर 21 दिसंबर। चार डेट्स हैं ऐसी ये चार डेट्स हैं ऐसी आज बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये चार डेट्स हैं ऐसी जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है? ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, जैसे सभी को पता है सनराइज यहां से होता है, रोटेट करता हुआ इधर आता है, सनसेट यहां पे होता है, रात को यहां जाता है और फिर दोबारा से सनराइज हो जाता है। बीच में कुछ आवाज डिस्टर्ब करे तो उससे डिस्टर्ब मत होइएगा, वेंडर्स की आवाज है। तो सिद्धांत ये कहता है कि सूर्य जो है वो पूर्व से उदय होता है, किंतु क्या ये हमेशा ही पूर्व से उदय होता है या इसमें कुछ किंचित मात्र कोई अंतर है? तो ये हमारा पॉइंट हो गया नॉर्थ ईस्ट और ये हमारा पॉइंट हो गया साउथ ईस्ट। ठीक है, तो सन कभी कभी यहां से भी उदय होता है, कभी कभी यहां से भी उदय होता है, कभी कभी यहां से भी उदय होता है और यहां से भी उदय होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल पूर्णता से वो पूर्व से उदय नहीं होता है। पूर्णता से सन सूर्य उदय होता है 21 मार्च को, उदय होता है पूर्व से, पूर्णता से 100% सूर्य उदय होता है, 100% सूर्य उदय होता है। किस दिन? जिसको कहते हैं बिल्कुल उसी बिंदु से। ठीक है, वो है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर। बीच में मत बोलिएगा, पहले चलने दीजिएगा, फिर आप लोगों के प्रश्न मिलेंगे। और
21 दिसंबर ऐसा शास्त्र कह रहा है, ऐसा सिद्धांत कहते हैं और ऐसा आचार्य मिश्र जी के वाक्यों के अनुसार कहा गया है। तो जब ये सूर्य कभी यहां से उदय हो रहा है, यहां से उदय हो रहा है, यहां से उदय हो रहा है, यहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, तो जब ये बिल्कुल सटीक पूर्व से उदय हो रहा है तो ये कुछ विशेष तो होता होगा। और चूंकि ज्योतिष में चंद्रमा और सूर्य मन आत्मा भगवती शिव यही तो है, तो जब चंद्रमा पूर्णमासी पे हो अमावस्या पे हो तो महत्वपूर्ण, उसी प्रकार से सूर्य यदि बिल्कुल ठीक पूर्व से उदय हो तो वो भी तो अपने आप में दिन महत्वपूर्ण होगा। क्यों? जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, ठीक है, एक बिंदु को हम पूर्णमासी मान लेते हैं, दूसरे को हम अमावस्या मान लेते हैं, और ये अष्टमी हो गई, ये अष्टमी हो गई, मुख्यतः महत्वपूर्ण है। और जब ये महत्वपूर्ण है तो इसी प्रकार से सूर्य के लिए भी कोई बिंदु महत्वपूर्ण होगा। तो वो बिंदु दो प्रकार के हैं, एक सटीक पूर्व बिंदु दो संक्रांति। तो सटीक पूर्व बिंदु है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 21 दिसंबर। ऐसा आचार्यों का कथन है कि इन जॉर्जियन कैलेंडर के अनुसार जो तिथियां हैं इनमें यदि कोई व्यक्ति जन्म लेगा तो थोड़ा सा दुनिया से अनोखापन उसके अंदर देखा गया है। उसका कारण क्या है? सूर्य बिल्कुल ठीक पूर्वी क्षितिज से उदय हो रहा है, लेकिन ये चार तिथियां जो हैं, चार जो इंग्लिश डेट्स हैं, इसमें बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया होगा। इसका यदि हम और भी ध्यान से देखें तो ऐसा देखने को मिला है कि जब सूर्य इन तिथियों में होता है तो ये सभी तिथियां अर्थात जो अभी हमने पीछे तिथियां बताई उसमें सभी में सूर्य द्वि स्वभाव राशियों में होता है। और सभी में लगभग 5 अंश के होते हैं।
यदि तिथियां याद नहीं हो, वैसे तो तिथियां याद होनी चाहिए इंग्लिश की, लेकिन यदि तिथियां याद ना भी हो तो भी देखिए द्वि स्वभाव राशि। अब द्वि स्वभाव राशि कौन सी होगी? 3, 6, 9, 12, ठीक है। और इन सभी में सूर्य 5 अंश के समीप, 4.305 और 5.3, इसी श्रेणी में देखने को प्राप्त हुए हैं। तो क्या ये एक रोचक बिंदु नहीं है? अब तीन जो है अब तीन जो है वो वायु तत्व है, छह जो है वो पृथ्वी तत्व है, 9 अग्नि तत्व है और 12 जल तत्व है। तो तीन से ही आरंभ कर लेते हैं हम। जब जल वायु तत्व राशि में होते हैं तो नवांश में वो जल तत्व की राशि वृश्चिक में होते हैं पहले इसमें। जब जल तत्व राशि में होते हैं तो नवांश में वो अग्नि राशि में होते हैं। और जब वो अग्नि तत्व में होते हैं तो वो पृथ्वी तत्व राशि में होते हैं। और जब वो पृथ्वी तत्व राशि में होते हैं तब वो वायु तत्व राशि में होते हैं। अब देखिए कितना विचित्र D9, कितना विचित्र वो है कि यहां पे अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल द्वि स्वभाव में ड्यूल में, और यहां पे नवांश में उनकी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल स्थिर राशियों में। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये कहा गया है कि जिनका जन्म 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 21 दिसंबर को हो, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कुछ अनोखापन देखा गया। तो इन डेट्स को याद रखिएगा, या फिर द्वि स्वभाव राशियों में 5 डिग्री के सूर्य हो तो उन डेट्स को भी याद रखिएगा। एक बिंदु। अब इसमें देखने को भी क्या मिला? दिसंबर में बड़ा दिन, मार्च में नवरात्रि, हनुमान जयंती, जून में देवशयन और सितंबर में गणेश चतुर्थी और हरियाली तीज। मतलब आप भारतीय पंचांग तिथि देखें तो भी बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ है, और अंग्रेजी के अनुसार देखें तो भी बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ है। तो इन तिथियों को याद रखिएगा। इन तिथियों में, ये मैं इंग्लिश की तिथि की बात कर रहा हूं, व्यक्ति का यदि जन्म हो तो स्वभाव में कुछ अटपटापन देखने को प्राप्त हुआ है। जैसे अभी हमने बताया था कि यदि
अमावस्या का जन्म हो, पूर्णमासी का जन्म हो, तो उसी प्रकार से सूर्य के लिए ये चार तिथियां और संक्रांति का जन्म। अब संक्रांति क्या होती है? किसी भी राशि के भीतर हम इसको मिथुन लगन से ही बनाते हैं। आज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। तो किसी भी राशि के भीतर यदि सूर्य 29 अंश 30 कला के आसपास हो, या किसी भी राशि के भीतर सूर्य 0.30 कला के पास हो, मतलब इसमें 29 कला और 30 मिनट पे हैं और इसमें केवल 0° 30 मिनट पे है, तो ये संक्रांति काल कहलाता है सूर्य का। संक्रांति काल में देखने को क्या प्राप्त हुआ है? संतान, दाम्पत्य, स्वास्थ्य, पितृ सुख, इन चीजों के भीतर कमी देखने को प्राप्त हुई है। मतलब ऐसे लोगों की पत्रिका में, अब इसी को हम एक एक करके यदि और देखें कि सूर्य पीड़ा में भी है, सूर्य 6, 7, 6 में तो सूर्य बलि होता है, 8 में, 12 में, 7 में, 7, 8, 12 इन स्थानों में सूर्य हो, तुला का सूर्य हो, राहु के साथ सूर्य हो और संक्रांति भी हो, तो ये पीड़ाएं बढ़ती देखी गई हैं। आप उस समय कुंडली के गहरे विश्लेषण में जाने से भी पहले बहुत सारी बातें मन में विचार करके चल सकते हैं। दाम्पत्य, स्वास्थ्य, संतान, पितृ सुख, अब इनमें से यदि कमी कहीं होगी, और क्योंकि सूर्य दशम भाव का प्रबल कारक है, तो राजा और आज्ञा, ठीक है। अब यदि संतान सूर्य पीड़ित हो और पांचवा स्थान पीड़ित हो और पंचमेश पीड़ित हो, तो संतान सूर्य पीड़ित हो, सातवां स्थान पीड़ित हो, ये महिला की कुंडली के लिए बोल रहा हूं, पुरुष की कुंडली के लिए नहीं। सूर्य पीड़ित हो, सातवां स्थान पीड़ित हो और बृहस्पति पीड़ित हो, तो दाम्पत्य, सूर्य पीड़ित हो, लगन पीड़ित हो और लग्नेश पीड़ित हो, तो स्वास्थ्य, और सूर्य पीड़ित हो, नौवां स्थान पीड़ित हो, तो पितृ सुख, इन चीजों में कमी देखने को मिली है। और सूर्य पीड़ित हो और दशम स्थान पीड़ित हो, तो आज्ञा में, परमिशन में, राजा के सहयोग में कमी देखने को मिली है। इसके उपरांत
आगे चलते हैं। ये आज हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आज नमिता जी है नहीं, तो जो उनकी एडवांस कुंडली थी वो आज डिस्कस नहीं हो पा रही है। अब दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु, और ये याद रखिएगा, ये सभी बिंदु आपकी ज्योतिष यात्रा में बहुत अधिक काम आने वाले हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मौर्य शास्त्र और आचार्य श्री बताते हैं, वो क्या बिंदु है? प्रतिपदा अर्थात पहली तिथि, ये हिंदी की तिथि है, प्रतिपदा। और पंचमी, फिफ्थ लूनर तिथि पंचमी, इसके उपरांत आया अष्टमी, नवमी, और दशमी। एक दो तीन चार पांच, ये पांच तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। नौवीं, अच्छा दसवीं नहीं लिखा। प्रतिपदा पंचमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं, ठीक है। प्रतिपदा के साथ मूल, पंचमी के साथ भरणी, यहां लिख देते हैं भरणी। अष्टमी के साथ कृतिका, नवमी के साथ रोहिणी और दसवीं के साथ आश्लेषा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि इन तिथियों के साथ कोई जातक जातिका नर नारी, ये तिथि ये हो और नक्षत्र ये हो और इनके साथ उसका जन्म हुआ हो, तो जीवन में अचानक से ऊपर और जीवन में अचानक से नीचे, अप डाउन, ये देखने को प्राप्त होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, शार्प शीर्ष। जैसा कि सबको पता ही है, अक्टूबर नवंबर मूलतः कार्तिक महीना है, कार्तिक माह की क्या अमावस्या, ये दीपावली होती है, कार्तिक दीपावली, ठीक है, कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली। और दिन सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में
एक साथ सूर्य चंद्रमा तुला राशि में इकट्ठे होते हैं, ये अमावस्या कार्तिक दीपावली बनी। इस समय एक ग्रह सूर्य नीच अवस्था में है और चंद्रमा अमावस्या में है। इसके उपरांत अगली वृश्चिक की संक्रांति दो नंबर से बना लेते हैं, 8 नंबर आया, चंद्रमा और सूर्य। ठीक है, तो इस वृश्चिक में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों अनुराधा नक्षत्र में विद्यमान हो, इसका भी एक खास बिंदु बताया गया, आने वाली कक्षाओं में बताएंगे आपको। तो ये शार्प शीर्ष के योगों में आता है। तुला में हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7 सूर्य चंद्रमा, तो अमावस्या, और यहां आए तो शार्प शीर्ष। लेकिन ये ऐसा आवश्यक नहीं है कि जब सूर्य यहां पे हो तो चंद्रमा और वहां पहुंचे तो नक्षत्र ये हो। कभी वो ज्येष्ठा में भी मिल सकते हैं, कभी वो विशाखा में भी मिल सकते हैं, लेकिन शास्त्र केवल अनुराधा को कहता है। क्यों? क्योंकि सूर्य भी धीरे धीरे अपनी गति पकड़ेगा, जब यहां से आरंभ कर लेगा, और चंद्रमा बड़ी तेजी से गति पकड़ के फिर अगले स्थान में आएगा। तो सूर्य जब तक यहाँ आएंगे तो चंद्रमा बिल्कुल सेम डिग्रिकली एक ही अंश पे नहीं हो सकते, ऐसा कई कई वर्षों बाद होता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, जब भी ये कई कई वर्षों बाद हुआ है तो पूर्वालोकन करें तो उस समय पे बहुत ही संसार के सामने भौगोलिक, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक विचित्र स्थितियां हुई हैं। जब ये समाज पे अर्थात मेधनी ज्योतिष पे, एक एक्सक्यूज मी, ये अनुराधा सेकेंड बोला था, रुकाइए, प्लीज प्लीज शाखा? प्लीज 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 प्लीज, अभी दो करेंगे, आपके सारी बातें करेंगे। जब मेधनी ज्योतिष के ऊपर ये इतना असर करती है, अर्थात संसार की ज्योतिष, तो क्या ये व्यक्ति के ऊपर असर नहीं करती होगी? बहुत स्वाभाविक है कि भाई ये व्यक्ति के ऊपर भी बहुत सारा असर करती होगी। तो यदि अभी हमने पीछे कौन कौन से पॉइंट पढ़े, एक एक बार उनको समराइज कर लेते हैं। सूर्य के लिए 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 21 दिसंबर। चंद्रमा के लिए पूर्णमासी, अमावस्या। चंद्रमा के लिए दो और चीजें, अष्टमी, शुक्ल की हो, कृष्ण की हो। सूर्य के लिए संक्रांति।
वो जो तिथियां जो इंग्लिश डेट बताई थी उसमें सूर्य कहाँ कहाँ किन किन राशियों में देखने को मिले और नवांश में वो कैसे रहते हैं। जब सूर्य पीड़ित होते हैं तो क्या असर देते हैं दाम्पत्य संतान स्वास्थ्य पितृसुख राजा की आज्ञा, उनको कैसे देखना चाहिए। संतान है तो पांचवा साथ जरूर मिला के देखना चाहिए, दाम्पत्य है तो सातवां और बृहस्पति देखना चाहिए कन्या की पत्री में, और स्वास्थ्य है तो लगन और लग्नेश को देखना चाहिए, और पितृ सुख है तो नौवां स्थान और सूर्य को देखना चाहिए। इसके उपरांत आए हम पांच तिथियां प्रतिपदा अर्थात फर्स्ट तिथि लूनर तिथि, पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि। उसी दिन उसी के साथ नक्षत्र उदित हो जाए, मूल, भरणी, कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा। इसके उपरांत आए सूर्य चंद्रमा तुला राशि में एकत्रित होंगे तो दीपावली अमावस्या के दिन, और उस दीपावली से जो अगली अमावस्या होगी उस समय पे यदि सूर्य चंद्रमा इकट्ठे हों अनुराधा नक्षत्र के भीतर, तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहार में इन सब में अटपटापन लेके आ सकती है। तो आज हम पढ़ेंगे दशम स्थान। राज्य राज राजकीय कार्य कर्म पद गौरव आज्ञा आकाश तो दशम स्थान से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से मिलने वाली फैसिलिटी देखनी चाहिए, राजपद और सरकार से मिलने वाली अनुकंपा देखनी चाहिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड जुड़े हुए काम देखने चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति का कर्म देखना चाहिए कि उसे क्या करना है, उसकी पोस्ट कैसी रहेगी वो भी दसवां स्थान बताता है, और इससे प्रताप भी देखा जाता है, फेम। और इसी से ऑर्डर भी देखे जाते हैं कि आप कितने ऑर्डर लोगे और कितने ऑर्डर लोगों को दे पाओगे। तो दशम स्थान जन्म पत्रिका का, वैसे तो हर एक ही स्थान जन्म पत्रिका का बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस भौतिक युग में दशम स्थान अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये कर्म का स्थान है और इसी से व्यक्ति प्रोफेशन देखता है। आगे चल के इसी का एक वर्ग कुंडली जिसको D10 या वर्ग कुंडली दशमांश भी कहते हैं,
तो हमारे पास चार दिशाएं प्रमुख हैं। इससे इतर चार उपदिशाएं सॉरी इधर होना चाहिए था, तो चार दिशाएं महत्वपूर्ण हुई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वायव्य, नॉर्थ वेस्ट, अग्नि, साउथ ईस्ट, नैऋत्य, साउथ वेस्ट, ईशान, नॉर्थ ईस्ट। तो चार प्रमुख दिशाएं हुई और चार हमारे पास कौन सी हुई, उपदिशाएं। लेकिन ये तो दशमांश कुंडली है, तो एक दिशा आकाश और एक दिशा पाताल, अर्थात एक कुंडली के ऊपर और एक कुंडली के नीचे। और एक कुंडली के नीचे डेप्थ में और एक कुंडली के ऊपर, ठीक है, आकाश में। डी टेन वर्ग कुंडली दशमांश। तो जब व्यक्ति दशों दिशाओं पे अपना नियंत्रण रखना चाहता है तो वही दशमांश है। लेकिन कोई भी व्यक्ति दशों दिशाओं पे नियंत्रण नहीं रख सकता है, तो इसे किसी एक ही स्थान पे विशेषता हासिल करनी होगी, तभी जीवन में उसके पास उपलब्धियां होंगी। यदि आदि काल को भी देखें तो हम ऋषियों के बारे में विचार करें